सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था दैट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल जब भी रिज्यूम होता है, मतलब आईपीएल 2021 जब भी रिज्यूम होता है, हमारे जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, मतलब इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज हमारा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उस सेपरेट वीडियो को देख सकते हो। अभी इंग्लैंड के इंडिया से मैचेस है, द न्यूजीलैंड से मैचेस है, इसके कारण इंग्लिश प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये इंग्लैंड की जो बोर्ड है उन्होंने कंफर्म कर दिया है। इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स पे। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 में आप कह सकते हो दो ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जिनका स्लॉट कंफर्म है, सैम करन एंड मोइन अली। दोनों प्लेयर्स कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर क्या इंग्लैंड बोर्ड ने कंफर्म कर ही दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, देन कौन से प्लेयर्स इनको रिप्लेस करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं मोइन अली के रिप्लेसमेंट के बारे में। तो देखो, एक प्लेयर है जो चेन्नई सुपर किंग्स में पहले था, बट उनको वापस से क्वारंटाइन नहीं होना था, लेकिन बीसीसीआई का रूल है अगर आपको आईपीएल खेलना है तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिनों के लिए, 3 RT-PCR टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जॉस हेजलवुड का ऐसा कहना था कि मैं ऑलरेडी बहुत क्वारंटाइन हो चुका हूँ, अब मुझे क्वारंटाइन नहीं होना है, जिसके कारण उन्होंने आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट नहीं किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया जो कि जेसन बैरनडॉर्फ है। आपको पिछले सीजन में याद होगा बैंगलोर ने भी केन रिचर्डसन का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया था एडम जैम्पा, लेकिन आईपीएल 2021 में बैंगलोर ने दोनों को रिटेन कर लिया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स वापस से जॉस हेजलवुड को लेके आ सकता है एज मोइन अली रिप्लेसमेंट। अगर किसी का क्वेश्चन है कि नहीं लेके आ सकता है तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, चेन्नई सुपर किंग्स रिप्लेस कर सकता है जॉस हेजलवुड को, वापस अपनी टीम में लेके आ सकता है एज मोइन अली रिप्लेसमेंट। तो मेरे हिसाब से एक प्लेयर जॉस हेजलवुड होंगे। दूसरे प्लेयर की बात करें तो चेन्नई यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई बैट्समैन को टारगेट करेगा। ये प्लेयर रेसी वेंडर डसन हो सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है मैं आपको बता दूं, एंड ऑक्शन में भी थे, अनसोल्ड भी थे, ऐसा खबर आ रहा था कि राजस्थान उनको रिप्लेस करेगा, लेकिन राजस्थान ने किसी और को कर लिया, किसी तेज बॉलर को कर लिया। तो अभी भी चांस है चेन्नई सुपर किंग्स के पास रेसी वेंडर डसन का। मैं आपको बता दूं, मोइन अली भी नंबर 3 पे खेल रहे थे और आप रेसी वेंडर डसन को 3 पे या फिर 4 पे खिला सकते हो। तो मेरे हिसाब से रेसी वेंडर डसन से अच्छा आपको बल्लेबाज अभी फिलहाल तो नहीं मिलेगा। आप उन्हीं प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हो जो आईपीएल के ऑक्शन में थे और अनसोल्ड हुए थे। तो उसमें सबसे अच्छा नाम मेरे हिसाब से तो रेसी वेंडर डसन का है। इसके अलावा अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आप मार्नस लभुसेन को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन क्या मार्नस लभुसेन मोइन अली जितना डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी कर पाएंगे? गेंदबाजी तो वो भी कर लेंगे मोइन अली के इक्वल, लेकिन बल्लेबाजी क्या मोइन अली जैसा कर पाएंगे मार्नस लभुसेन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों प्लेयर्स का नाम मेरे दिमाग में आता है सैम करन के रिप्लेसमेंट के रूप में, रेसी वेंडर डसन एंड मार्नस लभुसेन का। आप मुझे कॉमेंट्स में लेकर बता सकते हो आपके हिसाब से सैम करन एंड मोइन अली की जगह पे किसको लाना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी टीम में, बिकॉज इंग्लिश प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे जब आईपीएल रिज्यूम होगा। जल्दी जाके नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, एंड और भी बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स थे तो उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही। तो अभी के लिए बस इधर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बचाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।